हमला गिरिराज सिंह पर करना है। मुकदमा भी करूंगा, कटघरे में भी खड़ा करूंगा। गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट देने का क्या मकसद था? कोई स्थानीय ऐसा चेहरा नहीं था जिसपे बीजेपी के आला कमान भरोसा रख सके। नाती तो बेगूसराय का ही है, गिरिराज सिंह से उसका संबंध कैसे है? अपराध विरोधी संघर्ष समिति का मैं संयोजक रहा हूँ, मैं संघर्ष का सिपाही हूँ। दावे के साथ कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पेप्सी एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाए जाते हैं। नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी, जो भूमि उपलब्ध है वो एयरपोर्ट के लिए कम पड़ रहा है। चारों तरफ भू माफियाओं की नजर, औद्योगिक राजधानी में एयर कनेक्टिविटी मस्त है। पता भी नहीं है कि नौलखा क्या है। विकास और विनाश में लड़ाई है तो बेगूसराय ठप हो जाता है, रिफाइनरी डंपिंग यार्ड बनने लगता है। 2019 में सर सामो पुल की भी बात की गई थी, लेकिन सामो पुल का काम कहां तक पहुंचा? ये सवाल आपको पूछना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चुनावी मैदान में और सियासी गलियारों में खूब देखने को मिल रही है। लगभग हर एक पार्टी चुनावी मैदान में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं हर एक पार्टी ने लगभग हर एक लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम भी घोषित कर दिए। वहीं बेगूसराय में एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद एक बड़े तबके के बीच नाराजगी देखी गई। यहां तक कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच भी इस चीज की नाराजगी देखी गई। और आज इसी के संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, अधिवक्ता एवं खगड़िया और मुंगेर के लोकसभा प्रभारी तथा 2005 में बीजेपी से विधायकी का चुनाव लड़ने वाले नेता अमरेंद्र अमर सर। स्वागत है सर आपका। कैसे है सर आप? अच्छे। कैसी चल रही है सर चुनाव की तैयारी? स्वाभाविक रूप से अच्छा चल रहा है। गिरिराज सिंह को सर टिकट मिला एनडीए से, लेकिन उसके बाद बहुत सारी नाराजगी देखी गई। आखिरकार क्यों हो रहा है बेगूसराय में गिरिराज सिंह का इतना विरोध? हमें लगता है कि गिरिराज सिंह का कोई विरोध नहीं। गिरिराज सिंह, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें काला झंडा दिखाते हुए उनका विरोध किया जा रहा था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बेगूसराय विकास के सफर पर आगे बढ़ चुका है, उसके स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में गिरिराज सिंह जी हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को एक्सेलरेट करना, जन सरोकार को जिंदा रखना, क्षेत्रों में दिखना और अपने संसदीय कार्यों और मंत्रिमंडल के कार्यों के सिवा जो भी समय बचे उसको क्षेत्रों में देना, हमें लगता है इस पर यदि गिरिराज सिंह खड़े हैं तो कोई नाराजगी का विषय नहीं है। जो विषय आया है वो अपनी जगह है, उनके अपने विषय हो सकते हैं, उसके हेतु हो सकते हैं, परंतु हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बहुत सारे सवाल हैं सर जनता के जो उठ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल लगभग आपसे आपके सामने रखने की। अच्छा, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट देने का क्या मकसद था? लोग तो खोज रहे हैं स्थानीय, कोई स्थानीय ऐसा चेहरा नहीं था जिसपे बीजेपी के आला कमान भरोसा रख सके। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह के नाम की कोई चर्चा नहीं, इसलिए कि जो व्यक्ति बढ़िया में जन्मा हो और उसकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई मैट्रिक पास करना सदानंदपुर में हुआ हो, उसका नात्र, उसका नानी घर यहीं सिवड़ी में हो और उसकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई से लेके व्यवसायिक तक का सरोकार यहीं पर बेगूसराय में हो और यहीं से फिर राजनीतिक यात्रा शुरू हो, तो ऐसे लोगों को ये कहना कि वो बाहरी है, बाहरी वो होता है जिसकी बेगूसराय में कोई आकृति होती ही नहीं। जो आदमी भारतीय जनता युवा मोर्चा के संगठन प्रभारी, प्रदेश के महामंत्री, फिर भाजपा के महामंत्री, फिर राष्ट्रीय किसान मोर्चा में, फिर MLC, फिर MP, सारी प्रक्रियाओं में वो बेगूसराय के साथ ही जुड़े रहे। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली बार MLC के नॉमिनेट हुए तो उन्होंने अपना पहला फंड पहसारा में दिया, बेगूसराय ही था। इसीलिए जिन लोगों को जानकारी नहीं है राजनीति की और जो नई पीढ़ी को बरगलाना चाहते हैं वही इन सवालों को खड़ा करते हैं। हमें तो लगता है कि जो लोग इस सवाल में उलझे हुए हैं उनको सबसे सटीक जवाब है कि क्या बेटा क्या नाती, नाती तो बेगूसराय का ही है। लेकिन ये तो बेगूसराय में अभी जोर शोर से चल रही है कि बेगूसराय का जो सांसद हो वो बेगूसराय का बेटा। मैं आपको मुद्दे की बात करता हूँ, राजनीति विचारधाराओं पर लड़ाई होती है, राजनीति मुद्दे पर लड़ाई होती है,
जो विचारधारा की लड़ाई पर, जो मुद्दों की लड़ाई पर पीछे छूट जाता है वो जाति का सवाल खड़ा करता है, वो बाहरी सवाल खड़ा करता है, भीतरी सवाल खड़ता है, राजनीति मुद्दों पर खड़ी होती है। और बेगूसराय का मुद्दा है बेगूसराय का विकास, बेगूसराय का मुद्दा है बेगूसराय का जनसरोकार, बेगूसराय का मुद्दा है बेगूसराय का राजनीतिक उत्कर्ष। और हमें लगता है इन सारों चीजों पर गिरिराज सिंह खड़े हैं, इसीलिए गिरिराज सिंह बेगूसराय के हैं। इसीलिए मैं तो बार बार कहता कि दिनकर के हुंकार हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह आज कोई एमपी के चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। गिरिराज सिंह तो शुरू से थे, जब बेगूसराय का संघर्ष का दौर था, जब भारतीय जनता पार्टी शैशवावस्था में थी, जब बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राम रतन दास की हत्या हो गई खंभार में और रजोड़ा चौक पर, तो उस समय भी गिरिराज सिंह उपस्थित थे। जिसमें सारंधर सिंह की हत्या हुई तो उस समय भी गिरिराज सिंह उपस्थित थे। यहाँ जब संघर्ष का कालखंड था, भारत बंद था, उसमें भी गिरिराज सिंह उपस्थित थे। तो आज गिरिराज सिंह यदि एमपी के चुनाव लड़ने के लिए आए या इसके पहले आए तो हम ये कैसे कह सकते हैं, जब संघर्ष गिरिराज सिंह के साथ है, सरोकार गिरिराज सिंह के साथ है, उसके संबंध गिरिराज सिंह के साथ है, शैक्षणिक यात्रा गिरिराज सिंह के साथ है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जिन लोगों को गिरिराज सिंह से या उनके चेहरे से दिक्कत है वो यही सवाल खड़े करते हैं। 2019 में जब गिरिराज सिंह बेगूसराय आए थे तब बेगूसराय की जनता ने उन्हें लगभग हंस के स्वीकारा था, 4.5 लाख की बहुमत से जीत भी गए थे। लेकिन अब वो विरोध क्यों हो रहा है? हमें लगता है कि कोई विरोध नहीं है। राजनीति में टिकट के लिए बहुत लोग प्रत्याशी में आते हैं और किन्हीं पार्टी एओ को टिकट देती है, इसीलिए वो मामला लगभग खत्म हो चुका है। और हमें लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो मुद्दा है उसी पर सवाल भी होना चाहिए, और वही सवाल मौजूद भी है लोगों के बीच में। कुछ एक आरोप सर आप पर भी लगते हैं, चूंकि आप गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं, आरोप आप पर भी कुछ लगते हैं जो कि विपक्षी आप पर लगा रही हैं कि आप पे आरोप लगाता है कि 5 वर्षों में अकूट संपत्ति आपने जमा की है। 5 साल में आप लगभग 3 जगह पेट्रोल पंप की शुरुआत की, कहाँ तक ये सच है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, लोगों के बोलने से कोई मतलब नहीं है। मेरी जितनी प्रॉपर्टी और संपत्ति है वो सब 2008 से पहले की, ठीक? मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह देता हूँ। नहीं, ये आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो 3 पेट्रोल पंप की बात गलत है। एक पेट्रोल पंप है, वो भी 2019 में गिरिराज सिंह जी के आने से पहले। 2018 में मेरे एक लड़के जो बाहर में नौकरी करते थे वो जब यहाँ आए तो लॉटरी से उन्हें मिला, और पेट्रोल पंप लॉटरी से ही मिलता है। एक लॉटरी से मिले हुए पेट्रोल पंप के सिवा मेरे पास एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। अब लोग कह रहे हैं 3 पेट्रोल पंप है। जिस दिन लोग ये साबित कर दे कि मेरे पास 3 पेट्रोल पंप है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नंबर एक। नंबर दो, मेरे पास जितनी संपत्ति है वो सब 2008 या उसके पहले का संपत्ति है, तो फिर गिरिराज सिंह से उसका संबंध कैसे है? इसीलिए मेरा साफ साफ मानना है कि जिनको मेरे संघर्षों से एतराज है, जिनको मेरे बढ़ते हुए राजनीतिक कद से एतराज है, वो ऐसे चंद सवाल खड़े करते हैं। और ये सवाल आपको पूछना भी नहीं चाहिए, इसलिए पूछना नहीं चाहिए कि जो सवाल खड़ा कर रहा है उसकी कोई राजनीतिक हैसियत और विसात नहीं, और उसको यूट्यूबर्स लोग जाकर उसको प्रचारित कर रहे हैं। आप जिस अमरेंद्र कुमार अमर से चर्चा कर रहे हैं, वो अमरेंद्र कुमार अमर बेगूसराय का वो चेहरा है जब बेगूसराय में खून खराबा होता है, जब बेगूसराय में आशिस्कन और पीड़ा होती है, जब बेगूसराय में अफसरशाही से लड़ने का सवाल खड़ा होता है, जब बेगूसराय में परना मुखिया की हत्या होती है, जब बेगूसराय में हेमरा में पीयूष का अपहरण होता है और उसका लाश मिलता है, जब पेट्रोल पंप पर गोलियां चलती है लगातार और खून खराबा होता है, सारे आंदोलनों में अमरेंद्र कुमार अमर दिखाई पड़ेगा। अपराध विरोधी संघर्ष समिति का मैं संयोजक रहा, मैं पीयूष हत्याकांड के बाद आंदोलन में अगुवाई करते हुए मैं जेल गया, मैं आज की बात आप कर रहे हैं, मैं उन समय की बात करता हूं जब मधुबनी गोली कांड हुआ था और विद्यार्थी परिषद ने आज से 25 साल पहले आंदोलन किया था, तब गुप्तेश्वर पांडे एसपी हुआ करते थे, तब मैं हाजतों में बंद रहा। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं संघर्ष का सिपाही हूं, और संघर्ष के उस कारवां को, संघर्ष के उस आकृति को
डिमोलेट करने के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रहार करने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको आज भी दावे के साथ कहता हूं, ऑन कैमरा कहता हूं कि मेरे पास एक पेट्रोल पंप मेरे बेटे के नाम से है जो उसको लॉटरी में मिला, और 2008 से के बाद मेरे पास कोई बेगूसराय की संपत्ति नहीं है। और मैं जिस परिवार से आता हूं वो कोई भिकमंगा परिवार नहीं है, इसीलिए उसके बारे में भी पता कर ले। इसलिए मैं इन बातों पर इसलिए सवाल नहीं खड़ा जवाब देना चाहता कि राजनीति की सुचिता और राजनीति में जो लोग बेईमानी करके आगे बढ़ते हैं उनको लगता है कि शायद ये चेहरा भी बेईमानी के द्वारा गढ़ा गया होगा। ये चेहरा संघर्ष का चेहरा है, ये चेहरा सरोकार का चेहरा है, ये चेहरा राजनीति की सुचिता का चेहरा है। और मैं भारत सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं अनेक कंपनियों से जुड़ा हुआ हूं, मैं अधिवक्ता हूं, 26 साल हो गया। मेरे पिताजी 68-70 में वकालत करने आए, मैं यही बेगूसराय में पैदा लिया। इसीलिए किसका क्या है नहीं है, मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि इसके बारे में पाक साफ सीधा स्पष्ट पारदर्शी चेहरा भी है, पारदर्शी रिकॉर्ड भी है। इसीलिए हमला गिरिराज सिंह पर करना है तो अमर को पायदान बनाना है, अमर पर हमला करके गिरिराज सिंह के तरफ जाना है, इन चीजों से बचना है। और जो लोग इसकी सवाल खड़ा करते हैं, इसके बारे में कहते हैं, उनको मेरा सीधा सीधा सरोकार है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, और चुनाव के बाद ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी करूंगा, कटघरे में भी खड़ा करूंगा, डिफेमेशन सूट भी करूंगा। बेगूसराय के युवा सर, बेगूसराय के युवा के लिए ऐसा क्या खास 5 साल में हुआ जो बेगूसराय के युवा फिर से बीजेपी गिरिराज सिंह पे भरोसा करे? पेप्सी प्लांट लगा, सब लोग जानते हैं कि लगभग 2-3% लोगों का भी स्थानीय लोगों का रोजगार नहीं मिला उसमें। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि परसेप्शंस राजनीति में, परसेप्शंस समाज में क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पेप्सी एक प्राइवेट कंपनी, वो कोई सरकार की कंपनी नहीं। और ये बात सही है कि शाहनवाज हुसैन जी के उद्योग मंत्री रहते हुए वीरान पड़े हुए उन जगहों को, जिसको वामपंथ की ताकतों ने, कांग्रेस की ताकतों ने दौना इंडस्ट्रियल एरिया को बर्बाद कर दिया यूनियनबाजी के कारण, जिस यूनियनबाजी के कारण वामपंथ ने फर्टिलाइजर को बंद कर दिया, थर्मल के धुआं निकलने बंद हो गए और रिफाइनरी डंपिंग यार्ड के कगार पर हो गया, उसको एक साथ जिंदा करके। और जब आप सुबह सुबह जाइएगा तो रिफाइनरी से चलना शुरू कीजिए और थर्मल तक चले जाइए, कम से कम 15,000 इसी धरती के युवा, 15,000 परिवारों से निकलकर मोटरसाइकिल और साइकिल पर चढ़कर रिफाइनरी में खड़े मिलेंगे, थर्मल में आप मिलेंगे, HURL में मिलेंगे, NTPC में, तो वो सारे लोग बेगूसराय के हैं। इसीलिए परसेप्शन बड़ा खराब है। और जो सवाल खड़े करना चाहते हैं उनको मैं साफ साफ करना चाहता हूं, यदि 15,000 मोटरसाइकिल और साइकिल इन औद्योगिक संस्थानों के आगे में खड़े होते हैं तो 15,000 परिवार जिंदा रहता है, और ये NDA कालखंड में हुआ है। इसका क्रेडिट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ही जाएगा। पेप्सी का जहां तक सवाल है, पेप्सी एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाए जाते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आए उनके बारे में हमने पेप्सी को कहा और वो एब्जॉर्ब भी हुए, लेकिन अब पेप्सी के बारे में, कोई प्राइवेट कंपनियों के बारे में ये कहना कि उसमें 100-200 आप रख लीजिए और वो रख लेगा, तो उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, इसीलिए इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, IOL की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, बताया गया है कि 2024 में अभी प्रेजेंट टाइम में 83% युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो कैसे युवा भरोसा करे? 2000 में यही 35% था, 2022 में 65% हो गया और अब बढ़ के 83% हो गया। आप जिस संस्था का नाम ले रहे हैं वो संस्था कहाँ से जुड़ी हुई है आप भी जानते हैं, और कहाँ से मोटिवेटेड होकर रिपोर्ट आता है। नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी होती है, और आज के दिनों में सरकारी नौकरियां घट रही है, कमी है उसमें। रेलवे है बड़े संस्थानों के रूप में, बैंकिंग सेक्टर्स है, गवर्नमेंट संस्थान है, लेकिन उसके सिवा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास के अवसर नहीं हुए, बैंकों से लोन देकर जो आर्टरीज का जो डाटा बढ़ा है, अमाउंट्स बढ़ा है, इसके माध्यम से जो रोजगार है वो उनके खाते में नहीं आते।
चूंकि वो एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन वो संकेत रूप में इतना ही कहना चाहता कि कुछ संस्थाएं इसी के लिए बनी है जिनको नरेंद्र मोदी को डिफेम करना है, उसी में वो संस्था शामिल है जिसका आप नाम ले रहे हैं। इसीलिए नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी, नौकरियों का मतलब वो सारे नौकरी, सारा एब्जॉर्बमेंट, सारे रोजगार जो 10 साल के एनडीए के कालखंड में आए हैं, इसलिए उनको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आगे बढ़ेगा। जब आप एक बार कहते हैं नौकरियां घट रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में यूपीए के 10वें पायदान से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 5वें पायदान पर चला गया अर्थव्यवस्था में, और जो हमारे ऊपर रूल करता था इंग्लैंड वो हमसे पीछे चला गया, और विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिया शुमार हुआ। तो एक तरफ कह रहे हैं कि नौकरी चली गई, बेरोजगार हैं, रोड पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सशक्तिकरण है। इसलिए दोनों डाटा एक साथ सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हम उन तमाम संस्थाओं से कहना चाहते हैं कि जो संस्थाएं मेलाफाइड मैलिस इंटेंशन से इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उनके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, बेगूसराय पे आते हैं सर। बेगूसराय में मांग था एयरपोर्ट का, मांग था, बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदूषण में बेगूसराय अभी सबसे आगे है। नौलखा की बात की जाए तो नौलखा की स्थिति, नौलखा मंदिर की स्थिति अभी बेजान हो रही है, खंडर बन रहा है। तो ये सब प्रमुख हैं जिसकी मांग थी बेगूसराय में, ये सब 5 साल में नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट के बारे में बता दूं। एयरपोर्ट के बारे में सबसे पहले मैंने ही मेरे आवेदन है, मेरे आवेदन के आधार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने उसको माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री को दिया, और उसके आधार पर डीएम से रिपोर्ट मांगी गई, और उस डीएम रिपोर्ट के आधार पर साफ साफ कहा गया कि बिहार सरकार यदि भूमि उपलब्ध करा देती, चूंकि जो भूमि उपलब्ध है वो एयरपोर्ट के लिए कम पड़ रहा है, तो इसमें से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाकर या जैसे भी हो उसको पूरा करके रिपोर्ट करना है। मामले टेक्निकल है, मामले भावनात्मक नहीं है, और जो भी टेक्निकल होगा उसको टेक्निकल तरीके से ही हल किया जाएगा। इसीलिए हमारा लगता है कि एयरपोर्ट का आने वाले 5 वर्षों में एयरपोर्ट की मांग यहाँ पूरी होगी, चूंकि बेगूसराय औद्योगिक राजधानी है और औद्योगिक राजधानी में एयर कनेक्टिविटी मस्ट है, इसीलिए सरकार की भी प्रायोरिटी है और आने वाले दिनों में वो दिखेगा। जहां तक नौलखा का सवाल किया, तुम लोगों को पता होगा नौलखा का मैं अध्यक्ष हूँ, और नौलखा एक ट्रस्ट है, और नौलखा में 54 बीघे पर चारों तरफ भूमाफियाओं की नजर है। दिन रात मेरा काम उन भूमाफियाओं से जमीन को बचाना रहता है। जहां तक नौलखा का सवाल है, नौलखा के सामने में अग्निशमन दस्ता वहां पर कब्जा किए हुए थे, आज अग्निशमन को वहां से हटाकर डिप्लेस करके और वहां पर जो हनुमान मंदिर था उसका रंग रोगन करके ठीक करके उसको प्रिजर्व किया गया। आपने देखा होगा कि एक बड़ा गेट था, जो गेट गिर रहा था, कभी भी लोगों पर गिर जाता, बड़ा हादसा हो जाता, वहां पर एक अच्छा सुंदर गेट बनाया गया। आप देखे होंगे कि वहां पर अंदर में अच्छी व्यवस्था की गई। अब जहां तक सवाल है कि नौलखा के मंदिर के गिरने और उसके गुंबद का, वो 60 के दशक में महंत जी ने बनवाया था, और उसमें बड़ी महीन कारीगरी की गई है, शीशे की कारीगरी की गई है, वो कलकत्ते में कारीगर उपलब्ध है, उनसे बार बार संपर्क किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि इसको डिमोलिश करना है और डिमोलिश करके फिर से नई आकृति गढ़नी है, इसीलिए इसके बारे में टेक्निकल एक्सपर्ट की लाइट ली जा रही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि उसमें 1 पैसा भी खर्च होगा तो बिना धार्मिक न्यास बोर्ड की अनुमति के नहीं हो सकता है, इसीलिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सामने मेरा प्रपोजल है। धार्मिक न्यास बोर्ड प्रपोजल यदि पूरा करेगा तो चुनाव के बाद हमारे जो कारीगर हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और जो राशि आएगी, इन तीनों का सामंजन करके मैं अध्यक्ष के रूप में आपको बताता हूं कि नौलखा आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन नौलखा के बारे में उंगली उठाना और नौलखा के बारे में काम करना, दोनों में अंतर है। लोगों के बारे में एक सीधा सवाल हो जाता है, पता भी नहीं है कि नौलखा क्या है। नौलखा धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर एक न्यास समिति के अंदर बना हुआ है, उसके सारे कार्यों पर निगरानी है, सारे पैसे खर्चे होंगे वो धार्मिक न्यास बोर्ड तय करता है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया है आने वाले दिनों में जो मंदिर का गुंबद के बारे में आपका इशारा है वो ठीक किया जाएगा। अच्छा, प्रदूषण पे सर, प्रदूषण में पहले नंबर पर बेगूसराय आ गया है। जो औद्योगिक नगरी यहाँ होगी, विकास यहाँ होगा तो प्रदूषण भी यहाँ होगा। इसके बारे में समेकित रूप से डीएम साहब ने भी मीटिंग की है, डीएम साहब ने भी जितने निर्माण कंपनियां हैं उनको नोटिस किया है, वो अपने कैसे रख रखाव करें, कैसे निर्माण करें, उसके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, आने वाले दिनों में उन प्रोटोकॉल्स का पालन होगा और वो प्रदूषण का स्तर घटेगा। अच्छा, सामने सर महागठबंधन में सीपीआई को टिकट मिला है, महागठबंधन है, यहाँ पे गिरिराज सिंह एनडीए, क्या उम्मीद लग रहा है आपको?
आज की नई पीढ़ी को बेगूसराय के राजनीतिक इतिहास के बारे में कम पता है, क्योंकि इतिहास लोग कम पढ़ते हैं। 1980 के दशक में यहाँ पर दो बड़ी ताकतें हुआ करती थी, एक वामपंथ की ताकत थी, एक कांग्रेस की ताकत थी, और दोनों में अपराधी हुआ करते थे और अपराधियों का लड़ाई होता था, उनके गैंगवार होते थे। कम लोगों को पता होगा कि 80 के दशक में यहाँ पर जेल कांड हुआ और जिसमें एक अपराधी के गुट ने कांग्रेस के अपराधी गुटों की हत्या कर दी, और इस गैंगवार के दौर से निकलकर बेगूसराय ने लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट भी झेला है, बेगूसराय ने विकास विरोधी चेहरा जो वामपंथ का था वो भी झेला है, बेगूसराय ने फर्टिलाइजर में यूनियन बाजी, रिफाइनरी में यूनियन बाजी, थर्मल में यूनियन बाजी, और पूरा दौना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो 80 के दशक में कृष्णा शाही ने उसको दिया था जब वो उद्योग मंत्री थी, सारा साफ हो गया। तो बेगूसराय ने खून खराबे के दौर को भी देखा, बेगूसराय ने वामपंथ के विकास विरोधी चेहरे को भी देखा, और बेगूसराय में वामपंथ के यूनियन बाजी को भी देखा, और उस दौर से बेगूसराय बहुत आगे बढ़ चुका है। इसीलिए मेरा साफ साफ मानना है कि इस बार का जो चुनाव है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50,000 करोड़ से अधिक की दी गई योजना और विकास का सफर, उसके बिना विनाश। विकास और विनाश में लड़ाई है, विनाश का पोषक वामपंथ है, विकास का पोषक भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। ये मैं इसलिए कहता कि जो वामपंथ के साथ सहयोगी इस पार्टियां हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि जब 2001 में वाजपेयी की सरकार आती है तो मुंगेर पुल बनना शुरू हो जाता है, और जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रहती है, लालू यादव सहयोगी रहते हैं, तो वो पुल रुक जाता है, और जब फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो पुल बनकर तैयार हो जाता है, मुंगेर पुल चलने लगता है। जब 2000 में पहला एक्सपेंशन रिफाइनरी का आता है, जब 3 मिलियन मैट्रिक टन का उसका था, उसको 6 मिलियन मैट्रिक टन करने का अटल बिहारी वाजपेयी का पहला एक्सपेंशन रिफाइनरी का 2001 में आता है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी चले जाते हैं, अब मनमोहन सिंह की सरकार आ जाती है, लालू जी की मिलीजुली सरकार आती है, तो बेगूसराय ठप हो जाता है, रिफाइनरी डंपिंग यार्ड बनने लगता है, और उसके बाद फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो फिर रिफाइनरी में एक्सपेंशन आ जाता है, पेट्रोकेमिकल्स दिखने लगता है। जब मनमोहन और लालू की सरकार रहती है तो फर्टिलाइजर में शिलान्यास होता रहता है, लेकिन फर्टिलाइजर से धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो फर्टिलाइजर HURL के रूप में यूरिया का उत्पादन करने लगता है। जब अटल जी की सरकार रहती है तो थर्मल को NTPC में कन्वर्ट करने का काम शुरू हो गया, जब बाढ़ में NTPC आया तो बरौनी में भी काम शुरू हो गया, लेकिन जब मनमोहन और लालू जी की मिलीजुली सरकार 10 साल तक रही तो वो थर्मल का धुआं बंद रहा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो फिर वो बरौनी थर्मल NTPC हो गया और 2 यूनिट काम करने लगा। तो हमें तो साफ लगता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अटल जी की सरकार या मोदी की सरकार बेगूसराय में दाखिल हुई तो बेगूसराय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, और जब जब इससे अलग कोई सरकार दिखी तो बेगूसराय विनाश की तरफ आगे बढ़ा। इसीलिए ये चुनाव विकास और विनाश के बीच में है, विनाश का चेहरा, खून खराबे का चेहरा, गैंगवार का चेहरा वामपंथ है, और विकास का चेहरा भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कार्यानंद भवन में अपराधी रहा करते थे, इस कार्यानंद भवन में एक बार बेगूसराय के SP ने रेड किया, और रेड किया तो बाढ़ का बहुत बड़ा गैंगस्टर, नाम था मुनीलाल, पकड़ा गया, और उसके साथ उसमें सबसे बड़ा हथियार कार्बाइन हुआ करता था, कार्बाइन के साथ मुनीलाल पार्टी कार्यालय में पकड़ा गया। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि उस दौर में बेगूसराय को नहीं जाना है, इसीलिए वामपंथ के जो साथी हैं, वामपंथ के जो उम्मीदवार हैं, बेगूसराय को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। पिछली बार कन्हैया ने भी यही प्रयास किया था, और वामपंथ के उसी खून खराबे, उसी अराजकता, उसी विनाश की राजनीति को बेगूसराय ने नकारा, और 4 लाख से 4.5 लाख की मार्जिन से गिरिराज सिंह को विकास के लिए मैंडेट दिया। आज फिर 50,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर इस विकास के रास्ते को रोकना नहीं है, इसीलिए फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है, और ये फिर आएंगे, और फिर जो बचे खुचे काम है आने वाले दिनों में होंगे। अच्छा, 2019 में सर सामो पुल की भी बात की गई थी,
लेकिन सामो पुल का काम कहाँ तक पहुँचा? सामो पुल 2019 में सबसे पहले उसके बारे में खाका खींचा गया, लेकिन आपको पता होगा कि सामो पुल ग्रीन फील्ड का पुल है। ग्रीन फील्ड का वो पुल होता है जिसके दोनों तरफ किसानों के खेत होते हैं और उसको अधिग्रहण करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने दोनों भूअर्जन पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर्स बनाया, लखीसराय को भी बनाया, बेगूसराय को भी बनाया। दोनों नोडल ऑफिसर्स ने भूमि का सर्वेक्षण करके किसानों के पैमाइश करके उसके खाता खेसरा लेकर उसकी रिपोर्ट कर दिए। अब भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भूअर्जन की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद इसमें आगे की प्रक्रिया होगी। जब भूअर्जन हो जाएगा तो फिर इसकी मैपिंग हो जाएगी। मैपिंग होने के बाद भूअर्जन के अवार्ड का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद टेंडर का भी काम शुरू होगा। इसलिए हमें लगता है कि एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार ही विकास का परिचायक है और सामो का सपना भी एनडीए के लोगों ने देखा और पूर्ण भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। कितनी सीट सर इस बार भारतीय जनता पार्टी का? अब की बार 400 पर। इस बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है। इंडी गठबंधन ने अपनी लड़ाई शुरू की, अपना गठबंधन शुरू किया, लेकिन गठबंधन एक के बाद एक टूटता चला गया। बंगाल में इंडी गठबंधन दिख रहा है, ममता बनर्जी खुलेआम घूम रही है, एकला चलोड़े। आप अखिलेश को देखिए, वो भी एकला चलोड़े चल रहे हैं। और जिस लालू यादव की बात करते हैं, उन्होंने तो कोई घोषणा के ही नहीं, पहले ही लिफाफा बांटना शुरू कर दिया। पूर्णिया की लड़ाई आप देख रहे हैं, इसीलिए जहां मन हुआ, जन मरवर्जी हुआ, वहां उन्होंने उम्मीदवार लड़ा है। वो तो लोकसभा का चुनाव लड़ भी नहीं रहे। हमें तो लगता है कि लालू यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी तरह से वैसे ही लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इंडी गठबंधन के लोग बिहार में गंभीर नहीं है, इसीलिए इस बार बिहार की 40 से 40 सीट जीती जाएगी, बेगूसराय सीट जीता जाएगा और अब की बार 400 पार। बेगूसराय में सर और भी दावेदार आ रहे हैं चुनावी मैदान में। कहा जा रहा है कि मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह भी आ सकते हैं चुनावी मैदान में। 2024 में 18 तारीख को नामांकन प्रारंभ होगा। मैं तो केवल दो व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के गिरिराज सिंह उम्मीदवार नहीं है एनडीए गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन से अवधेश राय, और अवधेश राय इंडिया गठबंधन के और एनडीए के गिरिराज सिंह दो का घोषणा हुआ है। अब अन्य का घोषणा होगा तो मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। वो जब सामने आएगा, चुनाव आएगा तो देखा जाएगा।